जैसे सीक्वेंस में देख रहे हैं थोड़ी सी टेंशन नजर आ रही है आस्था के फेस पे, ऐसा क्या हो गया है जो टेंशन में चल रहे हो? एक्चुअली एक बहुत हमारे जो CA है US के, उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है और उसी की वजह से आस्था और मान दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कभी किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे नहीं, जबकि यू नो ट्राई करेंगे कि खुद ही सॉर्ट कर ले। लेकिन अब धीरे धीरे इश्यू इतना बढ़ते जा रहा है, उनको वापस एक नोटिस आ गया है एंड आस्था भी उसी वजह से टेंशन में है क्योंकि मान को दिल्ली जाना पड़ा है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे का अरेंजमेंट हो जाए संभव, दोनों यही चाह रहे हैं, तो उसी बात को लेकर टेंशन है। मतलब आस्था का ऐसा रोल है कि हमेशा घर में कुछ सुलझाने की कोशिश करते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमेशा से यही रहा है। आस्था बहुत ही मैच्योर है और कहीं ना कहीं वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो या खुद मान को भी कोई प्रॉब्लम हो, और जहाँ तक हो सके वो हेल्प करने की कोशिश करेगी। तो सब कुछ करने के बाद भी जब एक फाइनेंशियली इतना बड़ा सिचुएशन आ जाता है और मुश्किलें ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके इस बात को, मतलब बात ख़त्म हो और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आस्था तैयार है पूरी तरीके से, होती है हमेशा होती है। और प्रॉब्लम्स चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, फाइनेंशियली हो, आस्था इज वन सच कैरेक्टर इन द हाउस कि वो हमेशा चाहेगी कि चीज़ें सही हो। जैसे आपके घर में भी कोई ना कोई होगा जो हमेशा चीज़ों को बांध कर, मतलब लोगों को अच्छे से साथ में लेकर चलना चाह रहा होता है, फाइनेंशियली चीज़ें सॉर्ट करना चाह रहा होता है, सब कुछ अच्छे से हो जाए, वो अपनी फैमिली को कभी स्ट्रेस नहीं देता है, तो वही है आस्था और वही कोशिश हो रही है हमारी अभी। चलिए बात करें रीमा की, तो बारिश का मौसम है तो किस तरीके से वो इंजॉय कर रही है बारिश को? मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है और इनफैक्ट बॉम्बे में रेंज तो बहुत टाइम मतलब थोड़ा डीले हुआ है मानसून्स अराइव होने में, बट फाइनली मानसून्स आर हियर और मुझे बारिश इतनी पसंद है। मैं बहुत अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने सुनती हूँ बारिश के मौसम में, और गरम गरम मुझे भजिए बहुत पसंद है, मैगी बहुत पसंद है, कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं बहुत पूरी तरह से मैं बारिश इंजॉय करती हूँ और बहुत मज़े करती हूँ। अगर 2 दिन की छुट्टी मिल जाए तो कहाँ जाना पसंद करेंगे बारिश के मौसम में? सबसे पास में तो हमारा, अगर 2 दिन में छुट्टी मिलती है तो लोनावला हम लोग भाग ही जाते हैं, लोनावला महाबलेश्वर वो तो फिक्स्ड है हमारा, तो बिकॉज 2 दिन से ज़्यादा हमें छुट्टी मिलती भी नहीं है बीइंग एक्टर्स यू नो, तो जैसे ही मिलता है मैं अपनी फैमिली को लेकर भाग जाती हूँ, मतलब मानसून में मैं बॉम्बे में रहती ही नहीं हूँ लिटरली। फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी इस रेनी सीजन में? हाँ जी, इस बारिश में क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने फैंस के लिए? डेफिनेटली मैं वही कहना चाहूँगी अपने फैंस को कि आप लोग मानसून को खूब इंजॉय कीजिए, बस ये है कि आप लोग सेफ रहिए जहाँ भी रहेंगे, और यू नो सेफ एज इन आप अपनी फोन्स को चार्ज करके रखिए, आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कीजिए आप कहाँ है, जस्ट टेक प्रिकॉशंस, एंड अदर देन दैट आप लोग दिल दियाँ गल्लां भी देखते रहिए, आस्था को ढेर सारा प्यार देते रहिए, और ऑफकोर्स अगर आपने मेरी रील अभी तक नहीं देखी है तो वो भी इंस्टाग्राम पे देखिए क्योंकि दैट इज़ वायरल एंड आई एम ट्रेंडिंग। थैंक यू थैंक यू।